नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी पटना के बाकरगंज में रहने वाले परिवार की बच्ची कुछ दिन पहले लापता हो जाती है। परिवार द्वारा छानबीन किए जाने के बाद कोई सुराग हाथ नहीं लगता है, जिसके बाद परिवार के लोग थाने में ही इसकी प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद स्थानीय थाना आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिए, जिसके बाद एक बाकरगंज मोहल्ले का ही लड़का जो उस मासूम सी बच्ची को लेकर जाता हुआ दिखा, तब उस लड़के की गिरफ्तारी कर पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि उसने उस बच्ची को राजेंद्र नगर में एक महिला से महज 500 रुपए के लिए बेच दिया था। तत्परता दिखाते हुए पीरबहोर थाना राजेंद्र नगर में उस महिला के घर रेड करती है, जहां से महिला की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। मगर हैरानी की बात यह है कि बच्ची को उसने भी किसी और दलाल के हाथ भेज दिया था, लेकिन अब तक बच्ची की बरामदी का पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यह मानव तस्करी लंबे समय से राजधानी पटना में पनप रहा था, मगर एक मासूम सी बच्ची ने इसका पूरा रैकेट खोल कर रख दिया। बच्ची की बरामदी के लिए पटना पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। महिला के द्वारा बताए गए पति पर कई और थानाओं के द्वारा रेड किया गया, हालांकि अभी तक मासूम बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में देखना होगा कि न्यूज फॉर इंडिया प्राथमिकता के साथ इस खबर को दिखा रहा है। आला अधिकारी का संज्ञान लेते हुए मासूम की बरामदी कब तक सुनिश्चित की जाती है और ऐसे में कितने मासूम बच्चियों को इन जैसे लोग कहां कहां बेच गए हैं, इसकी भी जानकारी जल्द आपको देंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज फॉर इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम घर पे आके बोला, घर पे मम्मी को बोला, कोई को बोला, तुम घर जाके चुपचाप काहे रह गया? कोई को बोल देता लंगड़ा दिया वो बेटी को टेंपो पे ले जा रही दूसरी। देखो बाबू, अगर उसको पहचानते हो तो बता दो, उसको हम लोग खोज लेंगे। तुमको आदमी कुछ नहीं बोलेगा, देख रहे हैं ना? चिंता है बउआ, देखो तुमको, तुम्हारे पास अभी समय है। आंटी आपको मालूम नहीं है, आपको लड़का को बता रहे हम भी। अच्छा सुनो सुनो, तुमको यहाँ से तुम, अच्छा सुनो ना, यहाँ से तुम उठाते हुए बच्चा को ले जाते हुए देखे हो? टेम्पो में बैठा के लेके चल गई और तुम कुछ नहीं बोला फिर जाके घर पे? तुम जाके बच्चा दिया था? बच्चा यहाँ से उठा ली, तुम देखा तो कहीं नहीं रोका? तुमसे पहले औरत को भी बात की थी। तुमसे औरत पहले कभी बात की थी? तुमसे औरत कभी मिली है पहले? रुको नहीं, तो तुम उसको फोन पे बात करते हुए कैसे सुन लिया कि स्टेशन की है? बुआ देखो, ये अनझटके का चीज नहीं है बाबू, कम से कम चार से पांच दिन पहले का सेटिंग है, ताकि बच्चा आज बकवे में गायब नहीं होता है। और ये रिजेंट के पास से पहली बार बच्चा का रिलेशन होता है स्टेशन पे? आप बात से अनजान है, इसको पांच ठीक है, इसको घर लेके जाइए, छोड़ दो इसको, जाओ। इधर से टेम्पो लेके गई, इधर से ऑटो तो सामने लेके गई थी स्टेशन। किधर से चुपचाप देख रहा था? और तुम घर पे आके बताया, बोला भी नहीं, तुम घर पे आके बताया कहने की? कहाँ से बच्चा यहाँ से उठा के ले गई थी वो? अरे एक मिनट, सब चुप रही है। बच्चा यहाँ से उठा के ले गई थी? और वहाँ से बच्चा को बुलाया, तुम कहाँ था? और तुम उसको देख रहा था चुपचाप? और उठा के यहाँ से ले गई है और लेकर स्टेशन गई है? बउआ स्टेशन लेके गई है? स्टेशन के सीधा पुल के ऊपर जो ट्रेन नहीं चलता, ट्रेन के पटरी पे ले गए। ट्रेन के पटरी वाला पे ले गए। तुमको कितना पैसा दिए? सच बोलना, उसको दुगुना तुमको पैसा दिया जाए।